हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं आपका एक अनदर वीडियो में। और गाइस आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं। जी हां गाइस, आर्क सर्वाइवल के अंदर जैसे मैं आप लोगों को शायद पता होगा कि अगर मान लीजिए आपका लेवल जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा लो, जैसे में कि आपने जस्ट गेम को स्टार्ट किया और आपका लेवल जो है 1 से 10 के बीच में, तो अब आप लोग पहले कौन सा डायनो टेम करना चाहेंगे गाइस? क्योंकि 10 लेवल तक जाते जाते आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सैडल्स अनलॉक होते हैं, जैसे में कि हमारा पैरासर सैडल अनलॉक हो जाता है, प्लस जो है फेओमिया सैडल अनलॉक हो जाता है, और इसके अलावा हमारा कार्बोनमी सैडल अनलॉक हो जाता है जो कि लेवल 10 पे अनलॉक होता है। और इसमें से फेओमिया और जो पैरासर जो लेवल सैडल आते हैं उनको आप लोग जो है क्राफ्ट कर सकते हैं। बट कार्बोनमी सैडल क्राफ्ट करने के लिए आपको थोड़े बहुत सिमेंट्रिक पेस्ट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ गाइस, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा ऐसा डायनो टेम करना चाहेंगे आर सर्वाइवल के अंदर जिसको आप लोग जो है इजीली, बहुत इजीली टेम भी कर लें, आपके लिए बहुत सारे यूजफुल भी हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो गाइस जब आप लोग 1 से 10 लेवल के बीच में हो तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत पड़ता है एक डायनो टेम करने की, तो आप जो है सजेस्ट करूँगा मैं आपको टेम करने की, यहाँ पे देखिए मोस्ट चॉप नाम है इसका, इसको जो भी बोल लें आप लोग, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग जो गाइस इस वाले डायनोज को टेम करिए, क्योंकि ये सब डायनोज जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। 1, 2, 3 अगर आप लोग एटलीस्ट 3 टेम कर लिए गाइस, तो समझ लीजिए आपका आर्क सर्वाइवल जो है पूरा का पूरा इजी हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं आपके लिए। बैरीज कलेक्ट कर लेंगे, हाइट कलेक्ट कर लेंगे, सॉरी हाइट तो नहीं ज़्यादा कलेक्ट करते बट फाइबर जो है कलेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, रॉकरोट सीड कलेक्ट करते हैं, रॉकरोट कलेक्ट करते हैं, वुड कलेक्ट करते हैं, डैच कलेक्ट करते हैं, इनका ज़्यादा इतना ज़्यादा यूज होता है गाइस कि ये ऑलमोस्ट आपकी आधी फार्मिंग कर देते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप लोग 3-3 छोड़ देंगे इनको इधर उधर वंडरिंग के लिए, तो सोचिए कितने ज़्यादा फार्मिंग ये आप लोगों के लिए कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आज मैं उसी के लिए आप लोगों को इसे टेम करके दिखाने वाला हूँ। तो इसको टेम करने के लिए आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मेजो बैरीज बैरीज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर रॉकरोट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं रॉकरोट यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं एक बार में कितना परसेंट जाता है। तो यहाँ पे फीड करना हमें रॉकरोट इसको, सॉरी यहाँ पे फूड फील दिखा रहा, फूड टेमिंग वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ आ रहा है। आई थिंक रॉकरोट से नहीं टेम कर पाएंगे इसको, कुछ यहाँ पे गड़बड़ आ रही है। लेट्स सी गाइस, आई थिंक बैरीज वगैरह टेम कर पाएंगे क्या, बैरीज वगैरह से देखते हैं। वैसे ये पैसिव डायनो होते हैं गाइस। सो गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसको जो है रॉकरोट से हम लोग टेम कर पाएंगे, बट यहाँ पे कंडीशन क्या आई है गाइस कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को टेम कर पाएंगे जो जिस जैसा फूड मांगेंगे। अभी देखिए ये सिर्फ लिख रहा है नीड टेमिंग फूड टू टेम, बट यहाँ पे ये नहीं इंडिकेट कर रहा कि इसको कौन सा फूड चाहिए, इसलिए ये जल्दी रॉकरोट फीड नहीं ले रहा। तो देखते हैं थोड़ा बहुत बैरीज कलेक्ट करके यहाँ पे आसपास से क्या ये बैरीज वगैरह लेता है क्या, लेट्स ट्राई गाइस। क्योंकि जो मोफोज होते हैं ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फूड को एक्सेप्ट करते हैं जो इनको पसंद आता है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं एक बार कि ये इनमें से किसी से टेम हो पा रहा क्या, लेट्स सी। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको फाइनली दिख रहा होगा जैसे ही आपकी इन्वेंट्री में वेरीज वगैरह आ जाएगा आप लोगों को ये इस तरीके से शो करने लगेगा। यहाँ पे देखिए मैंने रॉकरोट लिया था तो ऐसा नहीं शो कर रहा था, तब वहाँ पे क्या दिखा रहा था कि नीड फूड टू टेम। तो यहाँ पे अभी देखिए मैंने जैसे ही टिंटो बैरीज या फिर बैरीज वगैरह लिया तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलरली बैरीज दिखाने लगा इसको टेम करने के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें इसे बैरीज से टेम करना है, तो आप लोग बैरीज वगैरह कलेक्ट कर लीजिएगा। ये हर बार अलग अलग बैरीज मांगेगा, ये मत सोचिएगा कि एक ही बार में एक ही बैरीज से टेम हो जाएगा। और रह गई बात रॉकरोट की, तो शायद ही रॉकरोट ये मांगे, मुझे नहीं लगता रॉकरोट मांगने वाला या फिर कोई भी बड़ा, जैसे में रॉकरोट हो गया, सेवरूट हो गया, और भी जो बड़े बड़े आते हैं ये सारी चीज़ें में से शायद ही कोई मांगे। और लेट्स अभी आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए, लेट्स सी गाइस। और मैं क्या सोच रहा हूँ इसको 15 टाइम्स स्मूथिंग ब्लेम भी दे देता हूँ एक। सो ये रहा हमारा देखिए, और आप लोगों एटलीस्ट 2 से 3 से 4 भी टेम कर सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और लेट्स यहाँ पे हमें टिंटो बैरीज फीड करने के लिए बोल रहा गाइस, तो टिंटो बैरीज ये हमारा देखिए आपको दिख रहा होगा ये रेड रेड वाला, तो ये अलग अलग बैरीज मांगेगा। देखिए मैंने टिंटो बैरीज इसको फीड कर दिया और ये एक बार में बूम गाइस टेम हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको 15 टाइम्स स्मूथिंग ब्लेम दे रखा था। और लेट अब इसको फॉलो कराते हैं इधर, और फॉलो कराने के बाद गाइस जो इसको यहाँ पे वॉकिंग मोड में डाल के छोड़ देते हैं। और लेट्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फॉलो कर रहा हमें,
ओके दैट्स इनफ आई थिंक। अभी क्या करते हैं हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पे जो है गाइस मैं इसको वॉकिंग मोड में डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे इनेबल वॉकिंग मोड डाल दिया मैंने और अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये कुछ घंटे बाद आधे घंटे एक घंटे बाद जो है गाइस ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा गैदरिंग करना। जैसे ही किसी पेड़ के पास जाएगा या फिर किसी बायरीज वगैरह के पास जाएगा ये क्या करेगा कि उनको डायरेक्ट कलेक्ट कर लेगा। चलिए मैं आपको काक दिखाई देता हूँ कैसे ये कलेक्ट करता है। तो अभी जस्ट हमें कुछ नहीं करना, वेट करना है किसी बायरीज वगैरह के पास जाए और ये ऑटोमेटिकली ये कलेक्ट करेगा। तो मैं आपको इसकी इन्वेंटरी दिखा दूंगा गाइस। अभी मैं आपकी इसकी इन्वेंटरी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी इन्वेंटरी में अभी कुछ नहीं है। देखिए अभी जस्ट इसके पास गया, ये देखिए कैसे कलेक्ट कर रहा। अभी देखा आपने कुछ थोड़ा सा हाथ से वगैरह कलेक्ट किया इसने। अभी देखिए ये सब लेफ्ट साइड राइट साइड ये सारी बैरीज इसकी हट गई है, बैरीज के पेड़। अभी दिखाता हूँ इसकी इन्वेंटरी में। तो देखिए इसकी इन्वेंटरी में क्या क्या आ चुके हैं। 50 जो है यहाँ पे फाइबर आ चुका है। यहाँ पे देखिए सारे के सारे बैरीज आ चुके हैं। मतलब आप लोग समझ सकते होंगे गाइस कितना ज़्यादा अच्छी मात्रा में ये कलेक्ट कर रहा है। देखिए 77 यहाँ पे फाइबर हो चुका है। मतलब जब एक मोफो चॉप इतना ज़्यादा कलेक्ट कर रहा तो आप लोग समझ सकते होंगे तीन होगा तो ये आप लोग की फार्मिंग जो है कितने हाई लेवल पे चली जाएगी। बैरीज की फार्मिंग, हाइट की फार्मिंग, सॉरी हाइट बार बार आ जा रहा है, फाइबर, फिर उसके बाद वुड, डैट, सारी की सारी चीज़ें कितनी ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग भी एक नए लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं तो गाइस अपना जो है शुरुआत ही इसी डाइनो से करिएगा टेम करने की, क्योंकि ये आपके लाइफ को ईजी बना देंगे इन आर सर्वाइवल में सर्वाइव करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना कर।